उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। पिछले 3 दिन से जो सियासी तमाशे इस देश में चल रहे हैं उसको पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह से राहुल जी को 10-10 घंटे 11-11 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और राहुल जी मुस्करा करके उनके सवालों का जवाब दे करके लौट रहे हैं, भाजपा बौखला गई है, ईडी बौखला गई है, एजेंसियाँ बौखला गई हैं कि आखिर राहुल गांधी किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम तमाम कांग्रेस के सिपाही राहुल जी के लिए पिछले 3 दिन से दिन रात यहाँ खड़े हैं, और आगे जितने दिन भी भारतीय जनता पार्टी उनको दबाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस का सिपाही सड़क पर रहेगा। हम न थकेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। आज पायलट साहब ने जो संघर्ष के अंदर आपको गिरफ्तार किया, इसको सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यालय में जाना चाह रहे थे, जिस तरह सरकार ने पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट किया, डिटेन किया, उनको बताने को सुनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गलत लोकतंत्र के लिए, अपनी बात रखना चाहते हैं, कानून हम खोल ही रहे, अपनी पार्टी के ऑफिस जाने में उनका जा रहा है, इस प्रकार के तानाशाही और रवैया मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है, इसकी घोषणा करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे।